वाह, छत पे आएंगे तो मज़ा आ रहा है, हवा चली हुई है। ये मैंने चादर धो के डाली हुई है, कुछ तरीके से मैंने कर दिया था चुटकियों से कि हवा से उड़े ना। फ्रेंड्स, फातिमा में वॉक करते करते आगे पार्क में हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे झूलों के पास पीक पे, लेकिन फातिमा की बारी नहीं आई। सो सैड, इतने ज़्यादा बच्चे थे, फातिमा की बारी आने नहीं दे रहे थे। हाँ फातिमा, लेट नाइट आएंगे। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। एक दो बजे लेट नाइट। नहीं नहीं, हम आएंगे तकरीबन 10 o'clock। डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हनी फाइजा फैमिली व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। एंड फ्रेंड्स, मेरा माशाल्लाह फर्स्ट डे था समर वेकेशन में, बहुत अच्छा गुजरा है। मैंने ऊपर लॉन्ड्री स्टार्ट की हुई थी। फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर थी, फालसो का जूस बना के नीचे आई हूँ, तो पूरा नीचे आई हूँ तो पूरा घर खाली है। पता नहीं शाम होते सारे कहाँ चले जाते हैं। ये पूरा लाउंज भी खाली है, रूम में भी कोई नहीं है। मैंने फिर खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कोई भी नहीं है, उतनी देर खाना बना लेती हूँ, सब आएंगे तो सबको जूस दूंगी, फिर मैं भी बाहर जाके थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ओके okay. फ्रेंड्स, असर और मगरब के दरमियान का जो टाइम होता है, इसमें मजा आता है। ओपन एयर में थोड़ी देर बैठे बाहर जाके, अच्छा, या वॉक कर लें, या छत पे चले जाए, या गार्डन में, यानी जिनके पास भी जो जो ओपन एरिया अवेलेबल है वहाँ जाके बैठे तो बहुत अच्छा फील होता है। बात तो सही है। अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि चिकन फ्राई हो गया होगा, उसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट वगैरह। ये तकरीबन हो गया, इसके अंदर ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था। ये थोड़ा सा पानी। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट ये पकता रहेगा अच्छे तरीके से, चिकन भी खल जाएगा और खाना बन के रख दिया रहा तो बहुत जहनी सुकून हो जाता है। अभी बच्चे के चादर भी उतार लेती हूँ, एक काम है करने वाला वो भी करके फारिग हूँ। चलो भाई, लेट्स गो। वाह, छत पे आएंगे तो मज़ा आ रहा है, हवा चली हुई है। ये मैंने चादर धो के डाली हुई है, कुछ तरीके से मैंने कर दिया था चुटकियों से कि हवा से उड़े ना। ये सारी उतार लेती हूँ फटाफट। हमारी छत से हमारी सोसाइटी का ब्यूटीफुल व्यू। कहाँ गए हुए सारे, नज़र ही नहीं आ रहा कोई दूर दूर तक, सारा खाली पड़ा हुआ है। चलो अभी इनको रखती हूँ सबको। फ्रेंड्स, सारी मैंने पकड़ ली है, उनको रख देती हूँ। कल जो बकाया लॉन्ड्री का काम है वो पूरा करूँगी। अभी नीचे चल के सालन भी देखना है। ये फ्रेंड्स, आज के लिए मैंने कपड़े धोए थे, उसके साथ इनको भी रख दिया मैंने। फ्रेंड्स, अभी लॉन्ड्री का काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, बकाया काम कल कंप्लीट करके और सारे कपड़े तय करके अलमारी में सेट कर दूँगी। सालन देख लूँ। ओह हो, शुक्र है अभी इसमें पानी है। अभी तो लग रहा है थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी ताकि जुड़े सालों खुश हुई। आग मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है। फिर मैं सारे कहाँ है, मैंने जूस बना के रखा हुआ है फालसे का। शुक्र अदा करें अल्लाह का। फ्रेंड, चावल वगैरह हमने दम पे रख दिए थे, सालन भी रेडी था। मैंने अलीना से कहा, मैंने कहा 10 मिनट हैं चावल के दम होने में, इतनी देर में और फातिमा बाहर वॉक करके आते हैं। एंड फातिमा आई भी आज हमारे घर में, वीकेंड था तो फातिमा आ गई। फातिमा, समर कैंप लग गया तुम्हारा? यस फ्रेंड्स, हमारे तो छुट्टी होगी लेकिन फातिमा का लग गया है समर कैंप। आज आपको पता है मैं स्कूल पहुंची हूँ, 6 o'clock का टाइम दिया था, आज मैं पहुंची तो कह रहे हैं 7 o'clock का। मैं 1 hour गली बैठी रही स्कूल में, कोई भी नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड का सिर्फ मैं। 7 बजे से 8 o'clock, सिर्फ 1 घंटे का, 7 से 8। वाह, मौजे तुम्हारी तो फुल मौज, तो हमारी ये जा रही नहीं है, लेकिन हमारे से कम फातिमा की मौजे सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रहे हैं। वरना पहले फातिमा का ये था कि 6 से 9 3 घंटे, लेकिन स्कूल वालों ने कम कर दिया फातिमा। वो भी मैंने सुना है, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि समर कैंप जो स्कूल जो स्कूल समर कैंप लगाएगा उसके खिलाफ वो होगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बच्चों के फायदे के लिए, अगर तुम समझो ना, इसमें तुम्हारा फायदा नुकसान नहीं है, तुम्हारा फायदा ही फायदा। बोर्ड में अपियर होना है, तुमने बोर्ड को हल्का नहीं लेना। 9th 10th के एग्जाम पास करना, अच्छे नंबरों से पास करना। पास तो खैर हर कोई कर लेते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों से पास करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है एंड बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अल्लाह पाक करे जितने बच्चे 9th 10th में अपियर हो सब अच्छे नंबरों से पास हो, हमारे स्कूल के बच्चे स्पेशली। फ्रेंड्स, तो मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की चल रही है, अभी जाते खाना ना खाते हैं फिर वापस आएंगे वॉक करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रेंड्स, फातिमा में वॉक करते करते आगे पार्क में हम लोग थोड़ी देर खड़े रहे झूलों के पास पीक पे, लेकिन फातिमा की बारी नहीं आई। सो सैड, इतने ज्यादा बच्चे थे, फातिमा की बारी आने नहीं दे रहे थे। हाँ फातिमा, लेट नाइट आएंगे। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। एक दो बजे लेट नाइट। नहीं नहीं, हम आएंगे तकरीबन 10 o'clock। डन। खुद ही कह रही हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, मैं थकी हुई हूँ। 200 दोपहर को 8 बजे आके 2 बजे उठी नहीं इतना बस होकर फिर भी थकी हुई हो।
मुझे देखो मैं सुबह की उठी हुई चले घर फातिमा में 10 मिनट के लिए आई थी, खाना वगैरह रेडी होगा, चल के खाना खाते हैं ओके फिर आएंगे दोबारा, लेट्स गो। चलो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं घर, पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो फातिमा भागो तो नहीं मेरे साथ, चलो देखा मना कर रही हो, नहीं भागो नहीं भागो, खड़ी हो लगी तो नहीं तो बस तकवार है फातिमा से, खतरनाक किस्म के प्रैंक टैंक किया करो। इधर आओ फातिमा एक बात बताऊँ, फातिमा मैंने जब भी अम्मी के साथ के प्रैंक किया ना मेरे बाद में इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है, मैं कहती हूँ पहले बताया करो, मैंने कहा पहले बता के कौन सा प्रैंक होता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग वापस घर आ गए, खाना वगैरह बिल्कुल रेडी था, खाना सर्व कर दिया है, ये रहे हमारे राइस एंड ये हैं मूंग चने, ये मैंने घर का छोर बनाया, बताओ कनी ने अभी टेस्ट ही नहीं किया, ईशा ने टेस्ट किया, ईशा कैसे लग रहे हैं कैसे बने मज़े के? फ्रेंड्स देखने में तो बड़े मज़े के लग रहे हैं, काफ़ी देर के निकाले हुए, कनी का वेट कर रहे थे, कनी आगे खाना शुरू कर देते हैं इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए। एंड ये एक लड़की बाहर खड़ी हुई है, आ जाए फातिमा अरे डॉल, हिब्बा ने अंदर खाना लिया, अंदर खा रही है हिब्बा, मोबाइल रखते हैं गुड़िया, मोबाइल रख के खाना खाते हैं और प्लेट फिनिश करनी है, ओए प्लेट फिनिश भी कर ली, वाह थोड़े से और दूँ थोड़े से, आपका तो फेवरेट खाना ही है दे दो। फ्रेंड्स खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया माशाल्लाह, बहुत मज़े के चिकन चने और चावल बने हुए थे। अभी मैं जा रही हूँ बाहर वॉक करने बच्चों के साथ, व्लॉग का फ्रेंड्स यहाँ पे एंड करूँगी, गनी पास फैमिली व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।